वीडियो गाइस, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं जोरजोपुर एंड दिस इज माय फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो। थोड़े टाइम के बाद एक और वॉइस ओवर वीडियो आ जाएगी एंड जो ये पीछे का बैकग्राउंड में जो तोतों की आवाज़ आ रही है प्लीज़ इग्नोर करना। एंड भाई भले ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो पर ये बड़ी झकास वीडियो है। मेरे स्क्वाड के अलावा यहाँ पे दो स्क्वाड और आती है, मतलब हम तो टू हैं वैसे भी, यहाँ पे दो स्क्वाड आती है। एंड भाई इन बहुत दादा को देखो, हमको अभी तक गन भी नहीं मिली है एंड इनको गन मिल चुकी है। एंड भाई ये देखो यहाँ पे ये स्क्वाड लैंड होता है एंड इतनी बुरी तरीके से भर दिया जाता है ना मेरे से। एंड मैं इसी स्कूल की तरफ से भाई मैं यहाँ से 16 किल कह रहा हूँ, सॉरी 13 किल लेके जाता हूँ भाई साहब। तुम ये देखो बस, मैं यहाँ पे वैसे भी मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे बिना बोले भी हो जाएगा। एंड आप ये देखो एंड ने मेरे को ऐसे डैमेज दिया ना वाला, भाई क्या बताऊँ बस। भाई एंड भाई यहाँ पे मैं दबाया, मेरे को तो लग रहा था मेरा ये नंबर दो भाई बोट है, क्राउच होके सिर्फ और सिर्फ सिंगल टैप पे चला रहा है, मतलब सिंगल टैप भले ही वो हो। और भाई साहब यहाँ पे एकदम से मेरे को एक बंदा आता था शॉर्ट गन से और अंधाधुंध घुसता भाई साहब अंधाधुंध। एंड मैं यहाँ पे हील कर रहा था तो हील करते करते घुस जाता भाई साहब, अब आ जाएगा अंदर घुस जाएगा भाई साहब अंधाधुंध, नहीं देखेगा यहाँ कोई बंदा नहीं। मैं एक एम से अटक जाता मैं यहाँ पे हिल ही नहीं पाता। हाँ पर ये यहाँ पे नॉकआउट हो जाते हैं सब दोनों के दोनों, इसमें कोशिश करता हूँ मतलब कोशिश का नॉकआउट तो हो ही गया था। एंड भाई देख रहे हो मेरे को 6 किलो गए अभी तक। एंड यहाँ से मैं इससे थोड़ी एमओ वैमो उठा के, गलती से एम के उठ गई थी मेरे से, पर मेरे को तो एक एम चाहिए थी ऑफकोर्स सी बात है। एंड भाई सब एंड में जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो भाई यहाँ पर बंदों की ऐसी वो मच जाती है ना, बारी बारी करके बंदे आ रहे थे। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लूटता हूँ सामान क्योंकि एज यूजल मेरे पे कुछ भी नहीं था। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत बंदे और थे, अभी तो बस मेरे 7 किल है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भाई मैं 6 किल अभी और करने वाला हूँ। मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैं चुपचाप निकल जाता हूँ पर यहाँ पे एक दूबे को ये जाता है भाई साहब बंदा है। और फिर यहाँ से मेरे को जो सामने वाला अपार्टमेंट है ना वहाँ पर मेरे को कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, पर उससे पहले थोड़ी बहुत लूट कर ली जाए क्योंकि लूट इज़ इम्पोर्टेंट मैन, क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हर एक क्रेट देखी भाई साहब मैंने एंड इतनी सारी। एंड भाई ये मैंने पूरा का पूरा स्कूल ना क्रेटों से भर दिया था एक तरीके से। एंड वो तो मेरा टीम मेट तो बोर्ड था, यहाँ पर सबको मेरे को ही मारना पड़ गया था। मैंने ऐसे एक मेडकिट उठाता हूँ एंड फिर ऊपर की साइड निकल लेता हूँ। एंड भाई फिर जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को एक एमओ हिट तो नहीं होती खैर, पर यहाँ पे आके लगती है
तो मैं यहाँ से जब ऊपर भगता हूँ भाई, मेरे को उस बंदे की क्रेट लूटिंग थी, पर यहाँ पे फिर मेरे को आते हैं भाई फुट स्टेप। एंड यार ये मेरे तोते इतना तंग करते हैं ना मेरे को, मैं यहाँ पे भर देता हूँ भाई। मैं भी, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं, मैं आपसे फिर ऊपर चढ़ के आता हूँ। मेरे को वो बंदा जो ऊपर मैंने अभी मारा था, आपको आपने देखा होगा जो ऊपर अभी था टेरिस पे, मैंने जब उसको मारा था तो भाई उसके बाद यहाँ पे लगातार दो बंदे और आए थे, फिर मैंने उनको भी मारा, फिर जाके मैंने तसल्ली से ऊपर लूट करी। और फिर यहाँ से मेरे को दो बंदे और दिखे थे, एंड वो बंदे तो भाई मैंने पूरी पूरी कोशिश करी थी नॉकआउट करने की। एंड देखो भाई कहाँ कोपचे में घुस के बैठ गए, एकदम धूम वाली एंट्री करता हूँ भाई साहब, भरने की पूरी 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 क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। एंड फिर मैं यहाँ से वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या पोस्ट तो मैं वैसे भी जाता ही हूँ। एंड भाई अगर गाइज ये तो वैसे मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो है, अगर आपको और वॉइस ओवर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं चले, क्योंकि भाई देखो मेरा भी ज़्यादा मूड नहीं है, क्योंकि मेरा मूड ऑफ इसीलिए है क्योंकि मेरा एक मैरिट क्या, चलो वो छोड़ो, वैसे भी क्या बताऊँ उसके बारे में है। तो भाई यहाँ पे जैसे एक किल करने के बाद पहले अपने पॉइंट पे आते हैं, फिर यहाँ से भी मैं मारता हूँ भाई साहब एक बंदे को, ऊपर बैठा हुआ रहता है। एंड भाई फिर वैसे भी मेरा मूड ऑफ इसीलिए है वो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। एंड वो पता नहीं क्यों, तो खैर मैं कह नहीं सकता वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कोरोना वायरस चल रहा हो। तो प्लीज़ गाइस घर में रहो, सेफ्टी रहो, एक भी कदम आगे बढ़े घर से तो क्या पता आप अपनी फैमिली को उसमें ला रहे हो खतरे में। एंड भाई साहब फिर यहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है, मैं इसको वैसे मार ही देता हूँ, बड़ी मुश्किल से मरता भाई बंदा, ये देखो बहुत कोशिश करने के बाद मरेगा ये। एंड वहाँ एकदम कोने पे जाके बैठ जाता है, एंड यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है। एंड भाई तो आप समझ ही गए होंगे मैं इतनी नॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ, वैसे भी थोड़ा सा रात का टाइम हो रहा है ये, तो मैं इसलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ। मेरे तोते 24 घंटे चले जाते रहते हैं क्योंकि मैंने इनको अभी ढक नहीं रखा था, मैं इसलिए फिर वैसे भी मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा। एंड यहाँ पर मेरे को बंदे दिखते हैं। एंड गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मैं फनी वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है भाई, सॉरी ट्राई मारता हूँ ना भाई मैं इनको मारने की, दो बार तो एक बंदा नोक कर देता हूँ मैं, पर क्या कर सकते थे, इसका एक टीममेट था तो वो बार बार इसको बचा लेता था, किसी को नॉक करूँ तो उसका दूसरा टीममेट बचाता था, पहले को नॉक करूँ दूसरा बचाता था, दूसरे को नॉक करूँ पहला बचा लेता था। एंड यहाँ पे भाई एक फिर एंड में एक गाड़ी आती है, वो मेरे को कुचल के चली जाती है। एंड फिर यहाँ पे एक आता है बंदा, एक बंदे की एंट्री होती है। एंड यहाँ पे यार मेरी ये चीज़ है ना बार बार मेरे को मरवा देती है, ये नॉकआउट हो गया यहाँ पे, पर इसका दूसरा टीममेट इसको बचा लेता है। अरे इसमें तो सेंसिटिविटी फुल थी। एंड यहाँ पे एकदम से मेरी गन स्विच ये मैं भर देता हूँ, तो इसके उड़ जाता है भाई लेवल 1। एंड भाई ये मेरे फ़ोन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसकी जॉयस्टिक अगर मैं फायर पे ऊपर पी फायर पे करूँ ना तो इसकी जॉयस्टिक हिल जाती है, और ये जॉयस्टिक हिलती है पर मेरा पूरा का पूरा बंदा हिल जाता है इस चीज़ की वजह से। एंड मैं यहाँ पे उन बंदे की वो कर रहा था, वेट कर रहा था कि बाहर निकले, ऐसे भाई देखो उनको पता तो लग ही गया था कि मैं यहाँ पे हूँ, पर भाई साहब यहाँ से एक गाड़ी निकलती हुई जा रही थी बहुत। एंड मैं यहाँ से उछल उछल के बार बार चेक करे जा रहा था भाई। एंड भाई साहब यहाँ पे धूम फोर की शूटिंग हो रही थी, तो यहाँ से एक गाड़ी वाला भगता हुआ गया भाई साहब मेरे सामने से, क्या कर सकते थे, मार तो सकते नहीं थे, और अगर मारता भी तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इसको हिट नहीं होने वाला था। एंड यहाँ पे बंदों को लोकेशन पता लग गई थी भाई इतना डैमेज देने के बाद, ये एक बार और नॉकआउट हुआ, पर भाई साहब इसने और इसके टीममेट ने मरने का नाम नहीं लिया, और ये मेरे तोते फिर भी चला रहे हैं। एंड इस गाड़ी के हाथ में भाई साहब मैंने इतना डैमेज दिया, फिर मैं बार बार बचा भाई साहब, एक हमसे बचने की ट्राई करी, मेरे में भर दिए एंड मैं यहाँ पर।
तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई दिस वीडियो. पसंद आई होगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.